Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. This is our third lecture. यह हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ नाउन के बारे में, जो कि सिंगुलर्स और प्लूरल्स कहलाते हैं. सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए हमें कौन सी ट्रिप इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए, हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, उसका पैटर्न क्या है और कौन सा तरीका है, कौन सी टेक्निक्स है कि हमें पता चले कि ये वर्ड सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है. आइए देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड. ZEC English Crash Course. हाई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. हाउ टू मेक सिंगुलर एंड प्लूरल, वी हैव रिटन द रूल नंबर वन. हमने रूल नंबर वन लिखा है सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं. रूल नंबर वन के अंदर क्या है, आइए देखते हैं. लुक एट द बोर्ड. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. आई हैव रिटन द डेफिनेशन प्लूरल फ्रॉम द सिंगुलर. सो रूल नंबर वन, रूल नंबर वन सेज दैट द नाउन्स व्हिच हैव ए वॉवेल, ऐसे नाउन्स जिसके एंड में ए वॉवेल हो, ऐसे नाउन्स जिसके एंड में ए वॉवेल हो और ई वॉवेल हो. द नाउन्स व्हिच हैव ए एंड ई वॉवेल इन द एंडिंग, एंड में ए वॉवेल हो और ई वॉवेल हो, एंड एंड ऑन और एंड हो, ख़त्म हो किसके ऊपर, कॉन्सोनेंट के ऊपर ख़त्म हो. दीज विल टेक ओनली एस, ये एस उठाते हैं किसके साथ, एस उठाते हैं टू बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ये सिर्फ एस उठाते हैं. आइए देखते हैं मिसाल के तौर पर जिसके साथ ए और ई हो आखिर में, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम कैसे एस उठाते हैं. आइए देखते हैं जो ए पर ख़त्म हो और ई पर ख़त्म हो, जैसे लव्स है बी ए एन ए एन ए बनाना, प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे. एस इज इक्वल टू वर्ड क्या बनेगा, वर्ड बनेगा बी ए एन ए एन ए एस, बनानाज. इसी तरीके से ऐसा वर्ड जो ई पर ख़त्म हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस इस्तेमाल करेंगे, ए डबल पी एल ई एप्पल. तो यहाँ पर लफ्ज़ ई पर ख़त्म हो रहा है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे. वर्ड क्या बनेगा, ए डबल पी एल ई एस, ए डबल पी एल ई एस एप्पल्स. ओके, ये तो वो हैं जो ए और ई वॉवेल पर ख़त्म होते हैं, और ऐसे नाउन्स जो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है बी डबल ओ के, हम इसके साथ प्लस एस इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस हमारा वर्ड क्या बनेगा, बुक्स, बी डबल ओ के एस बुक्स. नेक्स्ट वर्ड इज सी एच ए आई आर चेयर, प्लस क्या इस्तेमाल करेंगे, एस, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा, सी एच ए आई आर एस चेयर्स. इसी तरीके से लफ्ज़ है डेस्क डी ई एस के डेस्क, हम इसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपल इसके साथ एस इस्तेमाल करेंगे, वर्ड क्या बनेगा, डेस्क. तो लफ्ज़ हमारा जो डेस्क बना है वो के कॉन्सोनेंट के ऊपर बना है. तो हमारा रूल नंबर वन सिंगुलर प्लूरल के बारे में क्या कहता है कि ऐसे नाउन जो ए वॉवेल पर ख़त्म हो और ई वॉवेल पर ख़त्म हो और कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर बनाना ए पर ख़त्म हो रहा है, हमने एस इस्तेमाल किया बनानाज. एप्पल ई पर ख़त्म हो रहा है, हमने एस इस्तेमाल किया एप्पल्स. बुक एस पर के पर ख़त्म हो रहा है, हमने एस इस्तेमाल किया बुक्स. चेयर आर पर ख़त्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, एस इस्तेमाल किया चेयर्स. डेस्क के पर ख़त्म हो रहा है, हमने एस इस्तेमाल किया, लफ्ज़ बना डेस्क डेस्क. ठीक है, दिस इज़ द रूल नंबर वन. लेट्स सी व्हाट डज द रूल नंबर टू से अबाउट द प्लूरल्स. फ्रॉम सिंगुलर वी विल मेक द प्लूरल. लेट्स गेट स्टार्टेड टू रूल नंबर टू. हाई स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द रूल नंबर टू. सो रूल नंबर टू, व्हाट डज रूल नंबर टू सेज अबाउट द प्लूरल्स. लेट्स सी इट्स रिटन ऑन द बोर्ड. लुक एट द बोर्ड. सो रूल नंबर टू सेज दैट द नाउन्स व्हिच एंड ऑन ओ एंड एक्स, ऐसे नाउन्स जो एंड हो, किस पर एंड हो, ओ पर एंड हो और एक्स पर एंड हो और
एंड हैव डबल एस सी एच एंड एस एच इन द एंडिंग, और आखिर में उनके डबल एस हो सी एच हो और एस एच हो इन द एंडिंग आखिर में, दीज विल टेक ई एस, वो प्लूरल बनाने के लिए क्या उठाते हैं ई एस टू बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं ई एस इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट इरेगुलर नाउन्स, इरेगुलर नाउन्स के अलावा, इरेगुलर नाउन्स के अलावा हम ई एस लगाते हैं। देखें द नाउन्स व्हिच हैव ओ एंड एक्स एंड हैव एस एंड हैव डबल एस सी एच एंड एस एच इन द एंडिंग और आखिर में इन द एंडिंग, दीज विल टेक ई एस टू बी चेंज इन टू प्लूरल फॉर्म। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल देखिए लफ्ज ऐसा लफ्ज जो ओ पर ख़त्म हो, जैसे लफ्ज है एम ए एन एम ए एन जी ओ, ओ पर ख़त्म हो रहा है तो हम यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे प्लस ई एस इस्तेमाल करेंगे, तो लफ्ज़ क्या बनेगा एम ए एन जी ओ ई एस एम ए एन जी ओ ई एस मैंगोज। इसी तरीके से एक्स कौन से लफ्ज़ में आता है, जैसे लफ्ज़ है बी ओ एक्स बॉक्स, तो हम बॉक्स के साथ लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल करेंगे ई एस, तो लफ्ज़ यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए ई एस इस्तेमाल हुआ तो प्लूरल क्या बना बॉक्सेस, बॉक्सेस प्लूरल बी ओ एक्स ई एस, ठीक है बॉक्सेस इसका प्लूरल है, सिंगुलर क्या था बॉक्स, एक्स पर ख़त्म हुआ हमने ई एस लगाया लफ्ज़ बना एक बॉक्सेस, लफ्ज़ बना बॉक्सेस। और ऐसे वर्ड्स जो डबल एस पर ख़त्म हो रहे हों, ऐसे वर्ड जो डबल एस पर ख़त्म हो रहे हों उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस इस्तेमाल करेंगे, जैसे लफ्ज़ है जी एल ए डबल एस गिलास, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे ई एस, तो लफ्ज़ क्या बनेगा इज इक्वल टू, लफ्ज़ क्या बनेगा ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस। इसी तरीके से ऐसे अल्फाज जो सी एच पर ख़त्म हो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस इस्तेमाल करते हैं सी एच, जैसे लफ्ज़ है बेंच बी ई एन सी एच प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसके साथ प्लस में हम इस्तेमाल करेंगे ई एस, जैसे लफ्ज़ है बेंच तो हम ई एस इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ क्या बनेगा बी ई एन सी एच ई एस बी ई एन सी एच ई एस बेंचेस। इसी तरीके से ऐसा लफ्ज़ जो एस एच पर ख़त्म हो उसके उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे ई एस, लफ्ज़ है बी जो एस एच पर ख़त्म हो उसके साथ प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा लफ्ज़ क्या है बी यू एस एच बुश प्लस ई एस, तो लफ्ज़ क्या बना इज इक्वल टू बुशेस बी यू एस एच ई एस। तो स्टूडेंट्स हमने आज रूल नंबर टू पढ़ा है वो है ई एस रूल्स जो कि प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे नाउन्स जिसके आखिर में ओ हो जिसके आखिर में एक्स हो जो ख़त्म हो रहे हों डबल एस पर जो ख़त्म हो रहे हों सी एच पर जो ख़त्म हो रहे हों एस एच पर उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं ई एस इस्तेमाल करते हैं टू बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंगो से मैंगोज बॉक्स से बॉक्सेस गिलासेस गिलास से गिलासेस बेंच से बेंचेस और बुश से बुशेस। ओके लेट्स दिस इज द रूल नंबर टू, लेट्स गो टू द रूल नंबर थ्री। So the students, let's get started to rule number 3 of the singular and plural with y. Let's get started and look at the board. Okay, ऐसे noun, the nouns which have y as a vowel in the ending, ऐसे noun जिनके आखिर में y as a vowel हो, जहाँ पर y as a vowel हो in the ending, आखिर में y as a vowel हो, वहाँ पर क्या किया जाता है जहाँ पर y एज़ अ वॉवल हो एंडिंग में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है y को हम क्या करते हैं y विल बी इरेज्ड, y इरेज किया जाता है इंस्टेड आई ई एस, वहाँ पर y की जगह क्या लगाया जाता है आई ई एस, आई ई एस विल बी पुट आई ई एस लगाया जाता है टू मेक प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आई ई एस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बट द नाउन्स व्हिच हैव y एज अ कंसोनेंट, मगर ऐसे नाउन जहाँ पर y एज अ कंसोनेंट हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे दीज विल टेक ओनली एस, वहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस उठाएंगे सिर्फ एस लगाएंगे टू बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम सिर्फ
एस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर वाई, जहाँ पर वाई वाविल हो और वहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर वाई एस अ वाविल का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लफ्ज़ है एफ़ एल वाई फ्लाई, लफ्ज़ है एफ़ एल वाई फ्लाई, तो यहाँ पर जो फ्लाई है हम इसका वाई इरेज कर लेंगे। ठीक है, हमने इसका वाई इरेज किया, प्लस हमने क्या लगाया आई ई एस, तो लफ्ज़ क्या बना एफ एल आई ई एस। इसी तरीके से लफ्ज़ है कंट्री सी ओ यू एन टी आर वाई, यहाँ पर हम वाई निकाल लेंगे, वाई की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे आई ई एस प्लस आई ई एस, तो वर्ड क्या बनेगा कंट्रीज सी O U N T R I E S countries। जिस तरह से लफ्ज़ है फ्लाई कंट्री, और इसी तरीके से हमने Y as a consonant का प्लूरल बनाना है। इसी तरीके से लफ्ज़ है B O Y boy, यहाँ पर सिर्फ S इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे I-E-S. No, S इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे एस इस्तेमाल करेंगे, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने सिर्फ एस इस्तेमाल किया, तो लफ्ज़ क्या बना बॉयज़। इसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं टॉयज़, जैसे लफ्ज़ है टी ओ वाई टॉय, यहाँ पर भी हम सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो लफ्ज़ क्या बनेगा यस टॉयज़ टी ओ वाई एस टॉयज़। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो लेक्चर नंबर थ्री जो था वो था रूल नंबर थ्री था। आज रूल नंबर थ्री था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है वाई एज अ वाविल के साथ और वाई एज अ कंसोनेंट के साथ। आइए देखते हैं रूल नंबर चार प्लूरल के बारे में क्या कहता है। लेट्स रूल नंबर फोर से अबाउट द प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर, लेट्स लुक एट द बोर्ड। Hi students, welcome to rule number 4 that is written on the board. Rule number 4 that is about the F, F, E and E, F. So let's see and look at the board that how does the singular is changed into plural. डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, एफ़ सीरीज़ के अंदर जो एफ़ पर कंसिस्ट होता है उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि द नाउन्स और अदर वर्ड्स, नाउन्स या दूसरे अल्फाज विच कंसिस्ट ऑफ एस एफ, ऐसे नाउन्स जो एफ पर कंसिस्ट हों, कंसिस्ट मीन्स मुश्तमिल हों एफ पर, ई एफ पर या एफ ई पर, या एफ ई पर मुश्तमिल हों, दीज विल टेक वी ई एस, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ पर एफ और ई एफ को हटा देते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं वी ई एस, वी ई एस लगाकर हम क्या करते हैं प्लूरल बनाते हैं, टू बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। बट द नाउन्स और अदर वर्ड्स, मगर ऐसे नाउन या दूसरे अल्फाज जिसमें एफ तो मौजूद हो मगर एफ से पहले डबल वावल हो, डबल ओ हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, विच हैव डबल वॉवल्स बिफोर एफ, एफ से पहले डबल वॉवल हो, दीज विल टेक ओनली एस, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे, टू बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है के एन आई एफ ई, लफ्ज़ क्या है के एन आई एफ ई नाइफ, तो यहाँ पर जो के एन आई एफ ई नाइफ है तो हम यहाँ का एफ ई निकाल लेंगे प्लस वी ई एस इस्तेमाल करेंगे, तो इसका प्लूरल क्या बना नाइव्स, वेरी गुड के एन आई वी ई एस नाइव्स। इसी तरीके से लफ्ज़ है वाइफ डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, तो हम वहाँ पर देखिए लफ्ज़ है, लफ्ज़ क्या है डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एफ ई हम इसका निकाल लेंगे, एफ ई की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे वी ई एस, वेल डन वेरी गुड, और तो लफ्ज़ क्या बना इसका वाइव्स डब्ल्यू आई वी ई एस वाइव्स, नाइफ नाइव्स, वाइफ वाइव्स। इसी तरीके से लफ्ज़ है ओके ऐसे अल्फाज जिसमें एफ से पहले डबल वाविल आता हो उसके साथ हम सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है, जैसे लफ्ज़ है पी आर डबल ओ एफ, तो यहाँ पर डबल ओ है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ क्या बनेगा ओनली प्रूव्स, क्या होगा
proves proves, ठीक है। लव्स नंबर दूसरा है रूफ, roof, रूफ, तो डबल ओ आ गया, तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एस, वेरी गुड। तो लव्स क्या बना, रूव्स, roofs, रूव्स। तो जेंटलमैन स्टूडेंट्स, जब हम रूल नंबर फोर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एफ़ सीरीज़ के अंदर ऐसे अल्फाज जो एफ़ पर मुश्तमिल हों, ठीक है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ़ को इरेज़ कर देते हैं, एफ़ को मिटा देते हैं, एफ़ की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी ई एस इस्तेमाल करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। मगर ऐसे अल्फाज जिसमें एफ़ से पहले डबल वाविल हो तो वहाँ पर हम डबल वाविल के बाद एस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, जैसे लफ्ज़ है नाइफ, नाइफ में एफ़ ई है, हमने एफ़ ई रिमूव कर दिया, इरेज कर दिया, इसकी जगह हमने वी ई एस इस्तेमाल किया, लफ्ज़ क्या बना, के एन आई नाइव्स, वेरी गुड। इसी तरीके से लफ्ज़ नंबर टू है वाइफ, वाइफ के साथ हमने एफ़ ई निकाल लिया, वी ई एस इस्तेमाल किया, लफ्ज़ क्या बना, वाइव्स, वेरी गुड। इसी तरीके से लफ्ज़ नंबर थ्री है वन टू थ्री, लफ्ज़ है प्रूफ, इसके साथ सिर्फ एस इस्तेमाल किया जाता है, तो लफ्ज़ क्या बना, प्रूव्स, क्योंकि एफ़ से पहले डबल वाविल है। इसी तरीके से रूफ, रूफ से पहले डबल वाविल, एफ़ से पहले डबल वाविल, प्रूफ में रूफ के अंदर एफ़ से पहले डबल वाविल, हमने एस इस्तेमाल किया, तो लफ्ज़ क्या बना, रूव्स, वेरी गुड। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी मेक प्लूरल, हाउ डू वी मेक प्लूरल फ्रॉम द सिंगुलर ऑफ द एफ सीरीज, of course. So lecture number, rule number four is completed. Let's switch to rule number five, that is the rule of the irregular nouns. So students, welcome to the rule number five of the singular and the plurals. So rule number five is the irregular nouns, the rule of the irregular verbs. Let's see how they are used. Look at the board. सो रूल नंबर फाइव, देर आर सम इरेगुलर नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ इरेगुलर नाउन्स हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, विच डू नॉट फॉलो एनी रूल टू बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल देखें, लव्स है फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज, द फर्स्ट वर्ड इज चाइल्ड, लव्स क्या है पहला, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर ई एन इज इक्वल टू, लव्स क्या बना, चिल्ड्रेन, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा, और चिल्ड्रेन भी नहीं होगा, अगर आपने चिल्ड्रेन लिखा और आखिर में एस लगाया तो भी गलत है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन है। इसी तरीके से लव्स नंबर, वर्ड नंबर टू है चाइल्ड के बाद है लव्स एम ए एन, एम ए एन प्लस, हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटरनल चेंजेस है, इसका ए जो है वो ई के अंदर चेंज हो जाएगा, तो लफ्ज़ क्या बनेगा, एम ई एन, क्या बनेगा, एम ई एन, ठीक है। लफ्ज़ नंबर टू है, लफ्ज़ नंबर थ्री है मैन, और लफ्ज़ नंबर थ्री है वेमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन प्लस, हम इसके अंदर ई चेंज करेंगे जो कि ए के है, तो ये जो कि वुमेन के अंदर ए है ये हम ई में तब्दील करेंगे, लव्स क्या बनेगा, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन। इसी तरीके से लव्स नंबर थ्री, लव्स नंबर फोर है, लव्स नंबर फोर क्या है, माउस, एम ओ यू एस ई, माउसेस नहीं होता, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई सी ई, माइस, लव्स क्या बना, एम आई सी ई, माइस। इसी तरीके से लव्स नंबर फाइव है माउस का, माइस, लाउस का क्या होगा, एल ओ यू सी ई, लाउस, तो इसके अंदर भी हम प्लस आई सी ई वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यस, नो, इट्स इनकरेक्ट, इट्स रॉन्ग, यही तो मैं बता रहा था ना कि माउस का माउसिस नहीं होता, माउस का माइस होता है, लाउस का लाउसिस नहीं होता, लाउस का क्या होगा, लाइस, एल आई सी ई, लाइस, क्या है, लाइस, वेरी गुड। इसी तरीके से, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, वेलकम। इसी तरीके से नंबर फाइव के बाद है नंबर सिक्स, ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, मैन, वुमेन, गूज का क्या होगा, नो, लव्स है गूज, तो गूज का जो डबल ओ है हम डबल ओ चेंज कर लेंगे डबल ई के साथ, तो लव्स क्या होगा, डबल ई इसमें तब्दील होगा, तो लव्स क्या बनेगा हमारा, गूज का, नो, नॉट गूज इज, बट
गीज, जी डबल ई एस ई, गीज, ठीक है, गूज का जमा गीज है। इसी तरीके से लव्स नंबर सिक्स कंप्लीट। लव्स नंबर सेवन क्या है? टूथ, टी डबल ओ टी एच, टूथ। टूथ का प्लूरल बनाने के लिए हम डबल ओ जो है इसको डबल ई में, डबल ई में कन्वर्ट करेंगे। लव्स क्या बनेगा? टूथिस नहीं है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें टीथ, टीथ, नॉट टूथिस, ठीक है, क्या है? टीथ, ठीक है। इसी तरीके से लव्स है एट, एट लव्स के अंदर लव्स नंबर एट लव्स है फुट, एफ डबल ओ टी, फुट। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम डबल ओ को तब्दील करेंगे किसके अंदर? डबल ई के अंदर। तो लव्स क्या होगा? फुटिस नहीं, फीट, ओके। तो जैसे हमने गूज का गीज कर दिया, टूथ का टीथ कर दिया, फुट का फीट कर दिया, दिस इज कॉल्ड रूल नंबर फाइव, द इररेगुलर नाउन्स रूल। ये इररेगुलर नाउन का रूल है। इसके और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, इसके और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि सब रूल्स के अंदर सबमिट किए गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था सिंगुलर और प्लूरल का, इसको नंबर्स ऑफ नाउन भी कहा जाता है। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वो कैसे होती है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।